चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो हम लोग जो है रेट्रो गेसियो वाइंडिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। लैप वाइंडिंग में मैं आपको रेट्रो गेसियो लैप वाइंडिंग पढ़ा रहा था, और उसके लिए आपने जो है दैट इज आपने टेबल कंप्लीट कर लेते, वाइंडिंग टेबल कंप्लीट कर लेते। वाइंडिंग टेबल में मैंने आपका बैक पेज से सारे कनेक्शन कर रखे थे, ठीक है। लैप वाइंडिंग में जो कम्यूटेटर पिच होती है दैट इज द प्लस माइनस वन होती है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए प्लस वन होती है और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए माइनस वन होती है। मतलब आपके किसी भी एक कॉइल के स्टार्टिंग और फिनिश एंड के बीच में कितना कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, एक कम्यूटेटर सेगमेंट होने वाला है, ठीक है। चलो, तो हम लोग अपने फ्रंट पिच की हेल्प से अपने फ्रंट कनेक्शन को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दैट इज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 18 नंबर से। 18 नंबर में हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज फ्रंट पिच ऐड करेंगे तो आएगा 25, लेकिन 25 नंबर तो होने नहीं वाला है। राउंड मशीन है 24 के बाद फिर आएगा 25 मतलब एक। तो 18 को हम किससे कनेक्ट करने वाले हैं, फ्रंट साइड से एक नंबर से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, दैट इज कम्यूटेटर सेगमेंट। तो ये 18 नंबर है, इसको हम कम्यूटेटर सेगमेंट से कहां कनेक्ट करेंगे, 1 पे कनेक्ट करेंगे। कहां पर कनेक्ट करेंगे, 1। लेकिन 1 देखिए आपका जो है दैट इज 24 के बाद 25 आ रहा है ना, 25 का मतलब राउंड मशीन है, दैट इज आपका जो है दिस इज द 1, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द 18 को एक नंबर से कनेक्ट करना है। 18 को आप एक नंबर से कनेक्ट करेंगे, और किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 12 सेगमेंट है, और ये आपका जा रहा है 1 की तरफ, दिस इज गोइंग टू द 1। अब 1 यहां पर तो है नहीं, 1 यहां पर है, तो यहां से आ रहा होगा कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू, और ये 1 पे कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। नाउ ये 18 नंबर से आ रहा है यहां से, ये 18 नंबर से आ रहा है, और ये 1 पे कनेक्ट हो रहा है, ये 18 नंबर से आ रहा है कंडक्टर, और कम्यूटेटर सेगमेंट से 1 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखें यहां पर, अब हमें 20 नंबर को कनेक्ट करना है किससे, 3 नंबर के साथ। कहां है 20, दिस इज द 20, दिस इज 20 को कम्यूटेटर सेगमेंट से आप 3 से कनेक्ट करेंगे, तो 3 तो बेटा यहां पर है, तो सेम तरीके से कनेक्ट करेंगे। नाउ 20 नंबर को, दिस इज 20, नंबर को कनेक्ट करने वाले 3 नंबर से, दिस इज 3 नंबर। तो 3 नंबर में एक वायर आ रहा होगा, बीस नंबर से वायर आएगा जो कि 3 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज, ये कहां से आ रहा है, 20 नंबर से आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 22 नंबर से वायर आएगा फ्रंट एंड में और 5 नंबर से कनेक्ट होगा, 22 नंबर से, दिस इज द 22, ये 22 से वायर आएगा और 5 नंबर पे कनेक्ट होगा, दिस इज गोइंग टू द 5 नंबर। तो यहां से 22 नंबर से वायर आ रहा होगा, और एक कम्यूटेटर सेगमेंट से 5 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज 22, फिर देखिए 24 नंबर का जो वायर है वो 7 नंबर से कनेक्ट होगा कम्यूटेटर के थ्रू। 24 नंबर से वायर जो आएगा सात नंबर पे कनेक्ट होगा, दिस इज गोइंग टू द 7 नंबर। 24 नंबर से वायर आ रहा है
और ये आपका 7 नंबर पे कनेक्ट होगा, 24, ठीक है। चल नाउ दिस इज नथिंग बट द, अब आप देखेंगे 2 नंबर से वायर आएगा और वो कम्यूटेटर के थ्रू 9 नंबर से कनेक्ट होगा। 2 नंबर को 9 नंबर से कनेक्ट करना है फ्रंट साइड से, ये 2 नंबर इसको कनेक्ट करना है 9 नंबर से। फिर देखिए आपकी कॉपी में लिखा है 4 नंबर को कनेक्ट करेंगे 13 नंबर से, 11 नंबर से, 4 नंबर को कनेक्ट करना है 11 नंबर से, 9 के बाद कितना आएगा 11 नंबर से। फिर उसके बाद आपके पास 6 नंबर को कनेक्ट करना है, 6 नंबर को कनेक्ट करना है 4 नंबर को कनेक्ट किया 11 से, कहाँ है 4 नंबर, 4 नंबर को कनेक्ट कर दिया हमने 11 नंबर से, 6 नंबर को कनेक्ट करना है 13 नंबर से। फिर 8 नंबर को कनेक्ट करेंगे 15 नंबर से, फिर 10 नंबर को कनेक्ट करेंगे 17 नंबर से, बारह नंबर को कनेक्ट करेंगे 19 नंबर से। और फिर बेटा आपका 14 नंबर को कनेक्ट करेंगे 22 नंबर से, 21 नंबर से, और 16 नंबर को बेटा कनेक्ट करेंगे 23 नंबर से। ये आपके फ्रंट कनेक्शन है, सारे देखिए वाइंडिंग को मैंने कनेक्ट कर दिया है। नाउ दिस इज नथिंग बट लाइक दिस, ठीक है। चलिए कम्यूटेटर सेगमेंट बना देता हूं, नाउ दिस इज नथिंग बट द एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, कम्यूटेटर पिच एक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द बारह टोटल आपके पास क्वाइल हैं और 12 सेगमेंट हैं आपके पास, चलिए। नाउ दिस इज नथिंग बट द
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो आपके पास सात नंबर वाली आ रही है, सात नंबर वाली जो कि क्वाइल आ रही है वो सेगमेंट नंबर 12 से कनेक्ट है। तो देखो सात नंबर पे जो जा रही है, सात नंबर पे कौन सी जा रही है बेटा, जो 24 से आ रही, 24 से बेटा जो आ रही है वो सात नंबर पे जा रही है, वो कम्यूटेटर नंबर 12 से कनेक्ट है। देखो 24 से आ रही है और ये बेटा सात में जा रही है, ये आपके 12 से कनेक्ट है, दिस इज द 12, क्योंकि राउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज द 12। ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 9 होगा और इससे पहले 8 होगा। और बेटा अगर 1 के बाद देखा जाए ना, राउंड स्ट्रक्चर है, तो 12 के बाद कौन सी सेगमेंट नंबर आएगा, दैट इज नथिंग बट द एक नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए सारे सेगमेंट मैंने बिल्कुल सही लिखे हैं। जो क्वाइल 24 से आएगी वो सात में जाएगी सेगमेंट नंबर 12, तो 24 से जो बेटा आ रही है वो सात में जा रही है सेगमेंट नंबर 12। उसके बाद यहां भी चेक कर लीजिए, जो आपकी 22 नंबर से क्वाइल आ रही है और पांच नंबर में जा रही है वो सेगमेंट नंबर 11 से कनेक्ट है। 22 नंबर से जो आ रही है, जो पांच नंबर में जा रही है वो सेगमेंट नंबर 11 से कनेक्ट है, राउंड स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राउंड स्ट्रक्चर है, सेम फिगर। तो ये आपकी मैंने आपको रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग आपको बना के दिखाया, लैप वाइंडिंग की, वे वाइंडिंग के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फार्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और मैं एक टेबल बनवा दूंगा जिसमें लैप और वेव के जो है डिफरेंस लिखोगे, क्या क्या डिफरेंस होने वाले हैं, ठीक है। तो उस टेबल को देख के आप सारी चीजें देख सकते हैं। क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वेव वाइंडिंग, ठीक है। आपका जो लैप वाइंडिंग में एक दिक्कत होगी, इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ेगी, वहीं पर वेव वाइंडिंग में एक दिक्कत होगी, दैट इज नथिंग बट द हम लोग को डमी क्वाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन कॉन्सेप्ट को भी दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वेव वाइंडिंग, हो गया। चलो तो मैंने रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग भी आपको पढ़ा दी, दैट इज आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग भी बता दी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास लैप वाइंडिंग होती है उसमें जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि लैप वाइंडिंग में आपका जो है जितनी भी क्वाइल होती है, कुछ क्वाइल सीरीज में कनेक्ट होती है और बेटा कुछ क्वाइल आपकी पैरेलल में कनेक्ट होंगी। कितनी क्वाइल्स आपकी सीरीज में कनेक्ट होंगी, इसका फार्मूला आपके पास था, अगर नंबर ऑफ कंडक्टर मालूम है तो दैट इज जेड बाई टू डिवाइडेड बाई पी, दैट इज जेड आपके 24 थे, 24 डिवाइडेड बाई टू 12, 12 बटे 4, दैट इज तीन क्वाइल। तीन क्वाइल आपकी किसमें कनेक्ट होने वाली, सीरीज में कनेक्ट होने वाली, ठीक है। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ आपके क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे। जब पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे तो करंट रेटिंग ज्यादा होगी और सीरीज में आपके पास क्वाइल कम कनेक्ट, सीरीज में क्वाइल बोलिए फिर, सीरीज में कम कंडक्टर होंगे। अगर यहां कंडक्टर तीन क्वाइल है मतलब छह कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर में आप जो है वन वोल्ट मानेंगे तो छह कंडक्टर में सीरीज में टोटल छह वोल्ट होगा। लेकिन पैरेलल पाथ ज्यादा, जिसे करंट रेटिंग ज्यादा होगी वोल्टेज रेटिंग कम होगी। तो लैप वाइंडिंग हमेशा यूज की जाती है फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज। अभी मैं दोनों को दिखा दूंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, जब मैं लैप वेव भी पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं कंपैरिजन जब लिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लैप वाइंडिंग तब यूज करते हैं जब मोर करंट का रिक्वायरमेंट होता है और लेस वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमेशा आपको लैप वाइंडिंग हमेशा क्या होती है, डीसी मशीन के अंदर डिजाइन करने होते हैं। वेव वाइंडिंग यूज करते हैं जब वोल्टेज रेटिंग ज्यादा हो और करंट की रिक्वायरमेंट क्या हो, कम हो, तो आप हमेशा वेव वाइंडिंग। दोनों की इफिशियंसी, दोनों में पावर लॉस हमेशा कैसे रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज नथिंग बट द वेव वाइंडिंग। सेकेंड लिखिए, वेव वाइंडिंग। देखो वेव वाइंडिंग में क्या होगा, अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि डीसी मशीन के अंदर वेव वाइंडिंग डिजाइन की गई कि लैप वाइंडिंग। उसका सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है दोनों की कम्यूटेटर पिच हमेशा कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। अभी हम लिखेंगे बैक पिच का फार्मूला दोनों में सेम होगा,
फ्रंट पिच का फार्मूला दोनों में सेम होगा तो बैक पिच फ्रंट पिच की वैल्यू क्या हो सकती है, सेम आ सकती है। लेकिन आप देखेंगे अगर कॉमेटेटर आपका जो है जब लैप वाइंडिंग में देखें तो कॉमेटेटर पिच हमेशा या तो प्लस वन होगी या तो माइनस वन होगी। वेव वाइंडिंग में जो कॉमेटेटर पिच होगी वो आपकी अलग आएगी, उसका फार्मूला कुछ अलग होने वाला है। तो सबसे बेस कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, बैक पिच देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी वाइंडिंग की गई हुई, फ्रंट पिच देख के बता सकते हैं कि आपका कॉमेटेटर पिच। तो कॉमेटेटर पिच इज द बेसिक डिफरेंस, कॉमेटेटर पिच अगर प्लस या फिर माइनस वन है तो अंदर लैप हो। कॉमेटेटर से कॉमेटेटर में आप देखेंगे कि यार एक कॉइल के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमेटेटर सेगमेंट है, अगर एक कॉमेटेटर सेगमेंट होगा तो लैप वाइंडिंग अंदर डिजाइन की गई होगी, और अगर एक से ज्यादा डिफरेंस होगा ठीक है तो दैट इज नथिंग बट द अंदर वेव वाइंडिंग डिजाइन होगा। तो केवल कॉमेटेटर को ही देख के अंदर बता सकते हैं कैसी वाइंडिंग की गई होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि आपके डीसी मशीन के अंदर कौन सी आपकी जो है आपकी वाइंडिंग डिजाइन की गई है आर्मेचर में, लैप की वेव। दोनों का सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है कॉमेटेटर पिच, कॉमेटेटर पिच देख के बता सकते हैं अंदर कौन सी वाइंडिंग डिजाइन होगी। ठीक है तो जरा पहले लिखते हैं कि वेव वाइंडिंग अगर आपको बनानी है फिर डिजाइन करनी है तो आप क्या करेंगे। वेव वाइंडिंग में क्या करेंगे, पहली कॉइल के फिनिश को उस क्वाइल के आगे वाले एडजेसेंट पोल के स्टार्टिंग से क्या करेंगे कनेक्ट। अभी हम क्या कर रहे थे, पीछे की साइड डिजाइन कर रहे थे ठीक है, हमारे पास जो भी फिनिश था उसके स्टार्टिंग को हम क्या कर रहे थे, सेम पोल के अंदर की स्टार्टिंग वाली क्वाइल से ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या होगा, किसी क्वाइल का जो फिनिश एंड होगा उसके आगे जो पोल होगा, नेक्स्ट जो पोल होगा उसकी स्टार्टिंग से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है तो जरा देखिए, लिख रहा हूं मैं डिफिनेशन, लिख रहा हूं वेव वाइंडिंग के लिए। द फिनिश एंड ऑफ द वन कॉइल, वेव वाइंडिंग में क्या करेंगे, द फिनिश एंड ऑफ द वन कॉइल is connected to the starting of next coil, the next coil is present, या फिर starting is our next coil which is present to the नेक्स्ट पोल। नेक्स्ट मतलब आगे वाले पोल ठीक है, पीछे वाले पोल के बारे में नहीं पता, नेक्स्ट का मतलब होता है आगे। विच इज प्रेजेंट टू द नेक्स्ट। अच्छा यहां पर एक चीज लिखेंगे, द फिनिशिंग ऑफ द वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग इन ऑफ नेक्स्ट कॉइल थ्रू द कॉमेटेटर सेगमेंट, लिखना है कॉमेटेटर सेगमेंट। जब आप जो है पहली कॉइल के फिनिश एंड को स्टार्टिंग से कनेक्ट करेंगे तो कॉमेटेटर, द फिनिश एंड ऑफ द वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ द नेक्स्ट कॉइल थ्रू द कॉम्यूटेटर सेगमेंट। The next coil is the starting of next coil is present next pole to the finish end of the one coil. यहाँ पर ये लिखिए, and starting end of the next coil
एज प्रेजेंट अंडर द नेक्स्ट पोल ऑफ द फिनिश एंड ऑफ द फर्स्ट कॉइल। फिनिश जो पहली कॉइल के फिनिश एंड के जो नेक्स्ट पोल होगा उस नेक्स्ट पोल के अंडर में हमारी जो नेक्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा। स्टार्टिंग एंड ऑफ नेक्स्ट कॉइल इज प्रेजेंट अंडर द नेक्स्ट पोल। एक मिनट नेक्स्ट पोल ऑफ द स्टार्टिंग एंड ऑफ द नेक्स्ट कॉइल इज प्रेजेंट अंडर द नेक्स्ट पोल ऑफ द नेक्स्ट पोल ऑफ द नेक्स्ट पोल ऑफ द फिनिश फिनिश इंड नेक्स्ट पोल ऑफ द फिनिश इंड फिनिश इंड ऑफ द फर्स्ट कॉइल पोल। फर्स्ट कॉइल का फिनिश इंड फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट कॉइल फिनिश इंड जिस पोल के अंडर में है नेक्स्ट कॉइल ऐसे द फिनिश इंड ऑफ द वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग इंड ऑफ द नेक्स्ट कॉइल थ्रू द कम्यूटेटर सेगमेंट एंड द स्टार्टिंग इंड ऑफ द नेक्स्ट कॉइल इज प्रेजेंट अंडर द नेक्स्ट पोल विच इज नेक्स्ट टू द विच इज अंडर द नेक्स्ट पोल ऑफ द फिनिश इंड ऑफ द फर्स्ट कॉइल। फिनिश एंड ऑफ द फर्स्ट कॉइल पोल पहली कॉइल के फिनिश एंड जिस पोल के अंडर में ध्यान सुनिएगा पहली कॉइल का फिनिश एंड जिस पोल के अंडर में उस पोल के नेक्स्ट पोल के अंडर में हमेशा जो है दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग पोल हमेशा स्टार्टिंग एंड क्या होगा प्रेजेंट होगा। उस स्टार्टिंग एंड से पहली कॉइल के फिनिश एंड को क्या करना है कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू कनेक्ट करने तो जो वाइंडिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं वेव वाइंडिंग। क्या मेरा मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मैंने बोला है ठीक है जो भी आपका जो है पहली कॉइल का जो फिनिश एंड होगा उस फिनिश एंड के जो अगला वाला पोल होगा उस पोल के अंडर में हमें कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करना है पहली कॉइल के फिनिश पॉइंट को क्या करना है कनेक्ट करना। मेरी बात समझ रहे पीछे नहीं कनेक्ट करना लैब में हम कहां जाते पीछे जा रहे थे ठीक है। तो मैं चलिए फिगर बना के दिखाता हूं समझने की कोशिश करिएगा ठीक है। समझाने के लिए आपको जो है दैट इज नथिंग बट द सेम क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं लेकिन मैं वाइंडिंग इस बार ड्रॉ नहीं करूंगा मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ठीक है। यहां मैं ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल दैट इज स्लॉट ले रहा हूं 12 स्लॉट है पोल्स कितने लिए मैंने 4 पोल लिए और कौन सी वाइंडिंग डिजाइन कर रहा हूं डबल लेयर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग डिजाइन कर रहा हूं डबल लेयर वाइंडिंग ठीक है लिखे नहीं है चलो समझाने की कोशिश करता हूं ध्यान से सुनिएगा। वेव वाइंडिंग में आपका बैक पिच क्या होती है फ्रंट पिच क्या होती है रिजल्टेंट पिच क्या होती है और कम्यूटेटर पिच क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं उनके फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। हो गया चलिए 12 स्लॉट होंगे स्लॉट पर पोल निकाल लीजिए एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट होंगे 3 हर एक पोल के अंडर में 3 स्लॉट होंगे और डबल लेयर में एक स्लॉट में कितने हमारे पास कंडक्टर होंगे फिर कितनी क्वाइल साइड होंगी 2 क्वाइल साइड होंगी
टॉप कॉइल साइड एंड बॉटम कॉइल साइड। टॉप कॉइल साइड को आप जो है कैसे शो कर रहे हैं बेटा, ग्रीन लेटर से। और बेटा बॉटम कॉइल साइड को रेड से। टॉप कॉइल साइड को ग्रीन से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बार, ठीक है। ये टॉप कॉइल साइड हो गई और रेड कलर से आपकी बॉटम कॉइल साइड हो गई। डी ज्यादा बॉटम कॉइल साइड। ये आपकी बॉटम कॉइल साइड हो गई। ठीक है, ये आपकी बॉटम कॉइल साइड हो गई। टोटल आप देखेंगे कि हर एक चार पोल हैं, हर एक पोल के अंदर में कितने हमारे पास जो है, अच्छा ये 12 स्लॉट हो गए। टोटल हमारे पास कितने स्लॉट है, 12। दिस इज स्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is 12. This is a slot number 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, S8, S9, S10, S11 and this is the S12, ठीक है। ये आपके 12 स्लॉट हो गए। हर पोल के अंदर में कितने स्लॉट है बेटा, 3 स्लॉट है। चलो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल and this is the south pole. N1, S1, N2 and this is S2. चलिए नंबरिंग कर देते हैं बेटा। Now this is top coil साइड को हमेशा odd नंबरिंग देते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 90 21 and this is 23। और बॉटम कॉइल साइड की हमेशा नंबरिंग कैसे देंगे बेटा, दैट इज इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 दिस इज 14 14 दिस इज 14 16 18 20 22 एंड दिस इज 24 24 कंडक्टर आपके हो गए, ठीक है। चलिए यहां पर मैं कॉमेंटेटर सेगमेंट बना देता हूं। यहां
या आपकी कॉमेंटेटर विल बी देयर। कॉमेंटेटर सेगमेंट ध्यान से सुनिएगा, फुल पिच वाइंडिंग होती है डीसी मशीन में, फुल पिच वाइंडिंग होती है। तो आप देखेंगे हिमालय जब पहली क्वाइल का हमेशा जो है, जब भी क्वाइल आप बनाएंगे तो क्वाइल में दो क्वाइल साइड होंगे, एक टॉप में होगी दूसरी बॉटम में होगी। ध्यान सुनिएगा आप जरा, तो मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहली क्वाइल के टॉप क्वाइल साइड है जो कि नॉर्थ पोल के कॉर्नर पे रखी है, इसे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कौन सा होगा, साउथ पोल का स्टार्टिंग होगा। हेलो, ये आपकी पहली क्वाइल की टॉप क्वाइल साइड है, ठीक है। इससे इसी क्वाइल की जो दूसरी क्वाइल साइड होगी वो इससे 180 डिग्री क्या होगी बेटा, आगे होगी। तो नॉर्थ पोल की स्टार्टिंग में आएंगे तो साउथ पोल का स्टार्टिंग पड़ेगा, और अगर पहली क्वाइल की जो है क्वाइल साइड टॉप क्वाइल साइड ऊपर है तो दूसरी क्वाइल साइड हमेशा नीचे होगी। तो ये पहली क्वाइल का टॉप क्वाइल साइड है तो दूसरी क्वाइल का बॉटम क्वाइल साइड क्या होगा, 8 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं ज्वाइन करो, ध्यान से देखिएगा, पहली क्वाइल का टॉप क्वाइल साइड होने वाला है दैट इज नथिंग बट द 1, तो इसका बॉटम क्वाइल साइड होगा दैट इज 8। क्या किसी को इसी में इसमें कोई दिक्कत है? चलो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट क्वाइल। नाउ इसका जो बॉटम क्वाइल साइड होगा वो 8 होगा, ये पहली क्वाइल हो गई। क्या इस बात से एग्री है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। अब देखो ये पहली क्वाइल का जो 8 नंबर है, पहली क्वाइल का क्या फिनिश है? अब आपको कौन सी वाइंडिंग करनी है? वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो पहली क्वाइल के फिनिश एंड को दूसरी क्वाइल के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट करना है, दूसरी क्वाइल का। लेकिन जो दूसरी क्वाइल होगी ना, इस अच्छा ये जो पहली क्वाइल का फिनिश है वो आपका नॉर्थ पोल में है, जो दूसरी अब नेक्स्ट क्वाइल होगी उसका जो स्टार्टिंग एंड होगा वो इसके नेक्स्ट पोल के अंडर में होगा, ठीक है। तो ये बताओ, हम साउथ पोल की स्टार्टिंग में खड़े हैं, इससे 180 डिग्री आगे आपका नॉर्थ पोल का स्टार्टिंग होगा, दूसरी क्वाइल अब यहां नहीं होगी, सेम पोल के अंडर में नहीं होगी। आप जो है जहां पर पहली क्वाइल का फिनिश है इसके नेक्स्ट पोल देखे, दूसरी क्वाइल जो होगी वो इस साउथ पोल के नेक्स्ट पे रखी होगी, मतलब इस नॉर्थ में रखी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप वेव वाइंडिंग करते हैं तो वेव वाइंडिंग में जो नेक्स्ट क्वाइल होती है आपके जिस क्वाइल के फिनिश एंड को स्टार्टिंग से कनेक्ट करना है, जिस क्वाइल का फिनिश एंड, ये पहली क्वाइल का फिनिश एंड है, ये पहली क्वाइल का फिनिश एंड जिस पोल में रखा होगा, जिस पोल के अंडर में होगा, उससे नेक्स्ट पोल के अंडर में दूसरी क्वाइल का स्टार्टिंग होगा। अब ये बताओ, हमेशा फुल पिच वाइंडिंग होती है, पहली क्वाइल का जो फिनिश एंड है वो साउथ पोल के कहां पर कनेक्ट है, क्या फिर कहां पर रखा है, स्टार्टिंग में कनेक्ट है, इससे 180 डिग्री नेक्स्ट क्वाइल होगी, इससे 180 डिग्री मतलब इस पोल का ना नॉर्थ पोल का स्टार्टिंग, ठीक है स्टार्टिंग। अब हम जो बात करें दूसरी क्वाइल की स्टार्टिंग से कनेक्ट करना है, स्टार्टिंग मतलब टॉप कॉइल साइड से, तो बेटा दूसरी क्वाइल का जो टॉप कॉइल साइड है इस नॉर्थ में होगा, लेकिन हम साउथ की स्टार्टिंग में, तो नॉर्थ की स्टार्टिंग में टॉप कॉइल साइड में से स्टार्टिंग एंड होती है, तो ये हमारी दूसरी क्वाइल के टॉप है। तो हम क्या करेंगे, पहली क्वाइल के फिनिश को, पहली क्वाइल का फिनिश क्या है 8 है, और दूसरी क्वाइल का जो स्टार्टिंग है वो क्या है 13 नंबर है, इसको कनेक्ट करेंगे, और जब कनेक्ट करेंगे ना सीरीज में तो कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द पहली क्वाइल के फिनिश को दूसरी क्वाइल के स्टार्टिंग से कनेक्ट करना है, लेकिन जो दूसरी क्वाइल का जो स्टार्टिंग होगा, दूसरी क्वाइल के जो स्टार्टिंग एंड होगा वो पहली क्वाइल के फिनिश वाले पोल के नेक्स्ट पोल के अंडर में होगा, दिस इज द लेग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, ये दूसरी क्वाइल का स्टार्टिंग है, ये दूसरी क्वाइल का स्टार्टिंग है, दूसरी क्वाइल का जो एंड होगा, फुल पिच वाइंडिंग है ना, तो अगर हम इस नॉर्थ पोल के स्टार्टिंग में है तो बेटा इससे 180 डिग्री आगे ये दूसरी क्वाइल का फिनिश एंड यहां पर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी क्वाइल का फिनिश, लेकिन आप देखेंगे टॉप क्वाइल साइड अगर स्टार्टिंग है तो आपकी दूसरी जो क्वाइल साइड होगी वो बॉटम पे रखी होगी, तो दूसरी क्वाइल का जो फिनिश होने वाला है वो आपका कौन सा नंबर होने वाला है, 20 नंबर होने वाला है, कौन सा होने 20 वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द दूसरी क्वाइल का ये स्टार्टिंग है, 180 डिग्री होता है नॉर्थ पोल के, हम स्टार्टिंग में खड़े हैं, तो साउथ पोल की स्टार्टिंग में इसका जो है बॉटम क्वाइल साइड होगा
जो कि रेड कलर से होगा। अच्छा, राउंड मशीन होती है, हेलो, राउंड मशीन होती है ना, कैसी मशीन होती है, राउंड मशीन। तो ये बताइए, इस पहले S1, हेलो राउंड मशीन है, पहले S1 N1 आएगा, फिर S1 आएगा, फिर N2 आएगा, फिर S2 आएगा। S2 के बाद कौन सा पोल आ जाएगा, S2 के बाद कौन सा पोल आएगा, N1 आ जाएगा ना। हेलो, इस S2 के बाद कौन सा पोल आ जाएगा, N1, राउंड मशीन होती है, हेलो राउंड मशीन है, पहले N1 पोल है, फिर S1 पोल है, फिर S2 पोल है, N2 पोल, S2, S2 के बाद कौन सा पोल आएगा, S2 के बाद आएगा N1। मतलब इसके अगर आगे पूछा जाए तो कौन सा पोल होगा, N1 पोल होगा, जो कि यहां मैंने बना रखा, राउंड मशीन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ, ये आपकी दूसरी क्वाइल का फिनिश है, अब जो तीसरी क्वाइल का स्टार्टिंग होगा, हेलो तीसरी क्वाइल का स्टार्टिंग जो होगा इस पोल के नेक्स्ट पोल में होगा, इस पोल के S2 पोल के नेक्स्ट कौन सा पोल होगा, N1 पोल होगा, कौन सा पोल होगा, N1 पोल होगा। इससे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, आप S2 पोल की स्टार्टिंग में है तो इससे 180 डिग्री आगे N1 पोल का स्टार्टिंग होगा, N1 पोल का स्टार्टिंग होगा। तो आप देखेंगे जब आप कनेक्ट करेंगे तो दैट इज पहली क्वाइल के फिनिश को, पहली क्वाइल के फिनिश को आप आगे जाके ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहां पर देखे, ये आपका जाएगी, पहली क्वाइल का जो फिनिश होगा वो आपके नेक्स्ट पोल के स्टार्टिंग में, इसी तरह आगे चलती चली जाएगी, ऐसे क्वाइल बनेगी। ये आपकी कौन सी वाइंडिंग मैंने बनाई है समझाने के लिए, ये कौन सी वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग, वेव वाइंडिंग में क्या करना है, दिस इज द वेव वाइंडिंग। इसके बीच में कई सारे कॉमेंटेटर सेगमेंट होंगे, ठीक है, कई सारे कॉमेंटेटर सेगमेंट विल बी देयर। ध्यान से सुनते रहिए, मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, दिस इज द वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग इस तरह से बनती है, ये मैंने एक को प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अभी मैं फार्मूला लिखा दूंगा, वहां से आप चीजें देख सकते हैं कौन किससे कनेक्ट होगा। ये एक मैंने जनरल तरीका आपको बताया कि कैसे कनेक्ट होगा। अच्छा चलो डिफाइन करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बैकपिच डिफाइन करने जो, बैकपिच क्या होती है बेटा, हेलो ध्यान सुनिए, बैकपिच क्या होती है, बैकपिच होती है पहली आपका जो है किसी एक क्वाइल के स्टार्टिंग इन और फिनिश इंड के बीच का डिस्टेंस आर्मेचर के बैक साइड, ये क्या कहलाएगा, बैकपिच कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, किसी क्वाइल का स्टार्टिंग और फिनिश इंड के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, बैकपिच कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज योर बैकपिच, डिफाइन कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये आपका बैकपिच कहलाएगा। किसी एक क्वाइल के स्टार्टिंग और फिनिश इंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड बैक पिच, ये बैक पिच है। फ्रंट पिच क्या होती है, हेलो व्हाट इज द फ्रंट पिच, फ्रंट पिच की डिफिनीशन बताई थी, पहली क्वाइल के इस पहली क्वाइल के फिनिश और दूसरी क्वाइल के स्टार्टिंग एंड के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द फ्रंट पिच, यही बताया था। हेलो फ्रंट पिच क्या, पहली क्वाइल के फिनिश एंड और दूसरी क्वाइल के स्टार्टिंग एंड के बीच का जो डिस्टेंस होगा That distance is known as a front pitch. Now this is front pitch. ये आपका कौन सी पिच है, front pitch. Blue color से दिखा है, this is front pitch. अब आपका resultant pitch क्या होता था, hello what is the resultant pitch, hello resultant pitch क्या होता था, पहली coil का starting end, hello पहली क्वाइल का, हेलो ये पहली क्वाइल है बेटा, ये देखो ये पहली क्वाइल है, पहली क्वाइल का स्टार्टिंग एंड और ये दूसरी क्वाइल का स्टार्टिंग एंड, हेलो ये दूसरी क्वाइल है, दिस इज द सेकंड क्वाइल, ये आपकी सेकंड क्वाइल है, ये सेकंड क्वाइल, एग्री कर रहा है ना,
तो पहली कॉइल का स्टार्टिंग एंड और दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग एंड के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा रिजल्टेंट पिच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप डेफिनेशन देखिए, रिजल्टेंट पिच की डेफिनेशन थी कि आपकी पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग एंड के बीच की डिस्टेंस को बोलते थे हम लोग फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच क्या? पहली कॉइल का स्टार्टिंग एंड और दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग एंड, उनके बीच का जो डिस्टेंस कहलाता था ये कहलाता था रिजल्टेंट पिच। आता था ना? जाके देख लो, आपके पास लिखा है मेरे भाई। देखो, रिजल्टेंट पिच की डिफिनेशन मैंने लिखाई थी, कुछ भी नहीं पढ़ते हो तुम लोग। रिजल्टेंट पिच का मैंने डिफिनेशन कहां लिखा था? हाँ, ये लिखा था। देखिए, हाँ, लैप में डिफरेंट पोल होते हैं। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड ऑफ द वन कॉइल एंड द स्टार्टिंग एंड ऑफ द सक्सेसिव, मतलब नेक्स्ट कॉइल, दो लगातार कॉइल की स्टार्टिंग एंड के बीच की डिस्टेंस को रिजल्टेंट पिच बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज आपकी पहली कॉइल ये है बेटा, लैप, दैट इज वेव वाइंड में। देखिए, वेव वाइंडिंग में ये आपकी पहली कॉइल है, दिस इज योर फर्स्ट कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग है और ये सेकंड कॉइल का स्टार्टिंग है, ये सेकंड कॉइल है। दोनों के स्टार्टिंग एंड के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट पिच। तो अगर मैं जो है वेव वाइंडिंग में, हेलो, ये मैंने फिगर किसका ड्रॉ किया? वेव वाइंडिंग, दिस इज वेव रिजल्टेंट पिच। ये कौन सी वाइंडिंग है बेटा? दिस इज द फिगर ऑफ वेव वाइंडिंग। तो बेटा यहां पर अगर मैं रिजल्टेंट पिच का फार्मूला लिखना चाहूं, हेलो, लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच का फार्मूला क्या था? बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। लेकिन दैट इज आपका वेव वाइंडिंग में जो रिजल्टेंट, ये डिस्टेंस क्या होगी? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। बैक पिच प्लस फ्रंट पिच इज ऑलवेज इक्वल टू नथिंग बट योर आपका रिजल्टेंट। यहां पर ध्यान से देखिए, बैक पिच भी आप इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं और फ्रंट पिच भी सेम डायरेक्शन में, इसी के आगे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मेजर की जा रही हैं। तो वेव वाइंडिंग में जो आपकी बैक पिच और फ्रंट पिच सेम साइन के साथ यूज की जाएंगे। पिछली बार क्या था लैप में? एक आगे था और एक पीछे था, तो दोनों का हम अपोजिट, तो जब हम निकाल रहे थे ना, तो पहली वाली क्वाइल में बैक पिच ऐड कर रहे थे तो इसका लास्ट इंड आ रहा था, और फिर लास्ट इंड में से पीछे जाना था तो फ्रंट पिच घटा दे रहे थे, लेकिन इस बार हम फ्रंट पिच भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट क्वाइल का स्टार्टिंग आ जाएगा। तो दोनों ही जो है
आप जो है पिच को इस बार ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए दोनों को ऐड करेंगे और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए दोनों को घटाएंगे। लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या था, एक को जोड़ना था एक को घटाना था, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो तो दिस इज नथिंग बट द, यहां पर फार्मूला याद रखेंगे, रिजल्टेंट पिच, रिजल्टेंट पिच का फार्मूला होता है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब बात करते हैं दैट इज ए कॉमेटेटर पिच। कॉमेटेटर पिच का फार्मूला क्या होता था, आपका किसी भी क्वाइल के स्टार्टिंग एंड और फिनिश एंड के बीच में नंबर ऑफ कॉमेटेटर सेगमेंट, लैप में हमेशा क्या होता था प्लस वन या तो माइनस वन। हेलो, लैप वाइंडिंग में किसी भी एक क्वाइल को देख लीजिए, हेलो किसी भी एक क्वाइल को लैप वाइंडिंग में, चलो मान लो मैं बात कर लेता हूं इस वाली क्वाइल को देख लेता हूं, ध्यान से देखिए, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग दिखा देता हूं, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग आप यहां पर देखे, ये आपकी क्वाइल नंबर वन है, क्वाइल नंबर वन का स्टार्टिंग है, क्वाइल नंबर वन का फिनिश है, ये वन एंड टू आप देखेंगे, ये पहली क्वाइल है, पहली क्वाइल के स्टार्टिंग और फिनिश के बीच में कितना कॉमेटेटर सेगमेंट है, एक कॉमेटेटर सेगमेंट है, हमेशा एक होगा। किसी भी क्वाइल के स्टार्टिंग और फिनिश के बीच में हमेशा दैट इज एक कॉमेटेटर सेगमेंट होगा लैप में। अगर आपका प्रोग्रेसिव तो प्लस वन होगा, रेट्रोग्रेसिव तो माइनस वन होगा, लेकिन वेव में ऐसा नहीं होगा। वेव में देखो, वेव में मान लो इस क्वाइल के बारे में बात करता हूं, हेलो ये क्वाइल नंबर टू है, ये क्वाइल नंबर टू है, ये क्वाइल नंबर टू का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो है इस कॉमेटेटर सेगमेंट से कनेक्ट है और फिनिश एंड आपका जाके इस कॉमेटेटर सेगमेंट से कनेक्ट है। तो क्या वेव वाइंडिंग में तो आपका कॉमेटेटर पिच क्या कहलाती है, आपके किसी क्वाइल के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमेटेटर सेगमेंट है, तो आधा यहां होगा आधा यहां होगा, एक तो ये हो गया प्लस कुछ और सेगमेंट होंगे, तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो है, ध्यान रखिएगा वेव वाइंडिंग में जो आपके कॉमेटेटर पिच होती है वो आपकी आपकी जो है क्या होती है, लैप वाले से अलग होती है। इसमें आपका प्लस माइनस वन नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि लैप वाइंडिंग में ये आपकी क्वाइल नंबर टू का स्टार्टिंग इस कॉमेटेटर सेगमेंट से कनेक्ट है और जो फिनिश एंड है वो जाके इससे कनेक्ट है, तो ये तो वन हो गया आधा आधा, बीच में कुछ और कॉमेटेटर सेगमेंट होंगे, तो ये दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लाइक समथिंग। तो यहां पर कॉमेटेटर पिच को अगर आप डिफाइन करेंगे तो दिस इज योर कॉमेटेटर पिच, ये आपकी कॉमेटेटर पिच है, दिस इज योर कॉमेटेटर पिच, किसी क्वाइल के स्टार्टिंग एंड और फिनिश एंड के बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमेटेटर सेगमेंट है, फिर कितने नंबर ऑफ कॉमेटेटर सेगमेंट की डिस्टेंस, ये आपकी कहलाएगी कॉमेटेटर पिच YC, जो कि लैप से अलग होगी। तो कॉमेटेटर पिच हमेशा दोनों में अलग होगी, कॉमेटेटर पिच हमेशा दोनों में अलग होगी, ठीक है। तो हमेशा कभी भी किसी वाइंडिंग को जब हम डिजाइन करते हो, लैप होगी कि वेव होगी, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देखेंगे, कॉमेटेटर पिच। कॉमेटेटर पिच हमेशा क्या होगी, आपकी लैप की प्लस माइनस वन होगी और आपकी वेव की कुछ अलग होगी, ठीक है, ये हमेशा डिफरेंस आएगी, ठीक है। रिजल्टेंट पिच भी अलग आ सकती है, ठीक है, रिजल्टेंट पिच भी आपकी अलग आ सकती है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको कॉमेटेटर पिच। अगर आपके आंसर है कि किसी वाइंडिंग, क्योंकि आपको देखेंगे कि जो है हमेशा जब आप किसी डीसी मशीन को खोलेंगे ना, तो आपको जो है किसी भी डीसी मशीन को खोलेंगे तो सबसे पहले कॉमेटेटर दिखेगा, ना कि आपको अंदर की वाइंडिंग दिखेगी। तो वाइंडिंग को सबसे पहले पहचानने के लिए आपके पास ऑप्शन में क्या रहेगा, कॉमेटेटर पिच। कॉमेटेटर पिच आप बाहर से ही देख सकते हैं और वहां से देख के बता सकती है कि अंदर कौन सी वाइंडिंग आपकी डिजाइन होगी, लैप वाइंडिंग डिजाइन होगी कि आपका वेव वाइंडिंग। अगर कॉमेटेटर दो किसी भी क्वाइल के दोनों एंड के बीच में अगर एक कॉमेटेटर सेगमेंट है तो लैप है, अगर एक से ज्यादा है तो आपकी वेव वाइंडिंग होने वाली है। तो पहला चीज है कि आप डीसी मशीन को बिना खोले हुए भी अंदर की वाइंडिंग के बारे में बता सकते हैं, क्या देख के, दैट इज कॉमेटेटर पिच देख के बारे में, ठीक है। तो हमेशा जब भी लैप और वेव वो वाइंडिंग डिजाइन की जाती है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कॉमेटेटर पिच, क्योंकि लैप में कॉमेटेटर पिच हमेशा अलग होगी और आपका वेव में हमेशा कॉमेटेटर पिच क्या होगी, अलग होगी। तो इसी ऑप्शन को हमेशा प्रायोरिटी देना है। रिजल्टेंट पिच तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको अंदर की वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रिजल्टेंट पिच से आप बता सकते हैं लैप होगा, लेकिन उसके लिए पूरी मशीन खोली, बिना मशीन को खोले हुए
अंडरलैप है कि वेव सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि आप कॉमेंटेटर पिच देख के बता सकते हैं कि अंदर कौन सी वाइंडिंग डिजाइन होगी। तो यही ऑप्शन आपको टिक करना है कि लैप और वेव वाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को या फिर उस कौन सी वाइंडिंग डिजाइन उसको बताने के लिए सबसे मेन आपके चार फैक्टर होते हैं, दैट इज बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच एंड कॉमेंटेटर पिच। कौन सी ऐसी पिच है जिसको देख के हम लैप और वेव में आसानी से अंतर बता सकते हैं कि अंदर कौन होगी, तो हमेशा कॉमेंटेटर पिच को ही आंसर में टिक करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इनके फार्मूले लिख देता हूं, क्या क्या फार्मूले होने वाले। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल से आपको मैं दोनों फार्मूले लिखता जाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए एक नोट लगाइए, पहले नोट लगाइए, और एक पॉइंट लिखिए। द बेसिक डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में जो डिफरेंशिएशन है वो किसमें होगा? सबसे पहले वो डिफरेंशिएशन किससे बता सकते हैं? कॉमेंटेटर पिच से। ठीक है, लिखिए। The main difference, कभी भी लैप और वेव वाइंडिंग की कॉमेंटेटर पिच समान नहीं होंगे। The main difference, 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 the main difference
दोनों की कॉमेंटेटर पिच हमेशा क्या होंगी, अलग अलग होंगी। कॉमेंटेटर पिच देख के आप बता सकते हैं लैप होगा कि वेव होगा, ठीक है, ये आप चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट पिच भी अलग आएगी, लेकिन रिजल्टेंट पिच के लिए आपको वाइंडिंग देखना पड़ेगा, बिना वाइंडिंग को देखे हुए लैप और वेव वाइंडिंग है। फिर लैप और वेव वाइंडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है, कॉमेंटेटर पिच पे। अगर कॉमेंटेटर पिच प्लस वन या फिर माइनस वन हुई तो वो वाइंडिंग लैप हो जाएगी, अगर आपकी कॉमेंटेटर पिच प्लस माइनस वन से अलग है तो वो हमेशा वेव वाइंडिंग होगी, ठीक है, ये मैं बोलना चाहता हूं। चल अब यहां पर आप हेडिंग डालेंगे, दैट इज ए, एक साइड लिखे लैप वाइंडिंग, मैं 12 से 13 डिफरेंस लिखाऊंगा और यहां से क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा जाएगा वो इसी से पूछा जाएगा, अगर लैप और वेव से पूछा जाएगा। लैप वाइंडिंग, और इस साइड लिखेंगे वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग एंड दिस इज द वेव वाइंडिंग, ठीक है। चलो पहला चीज है कि लैप वाइंडिंग कैसे होगी, नाउ दिस इज द लैप वाइंडिंग,
यहां पर ये कुछ लैप वाइंडिंग मैंने आपको दिखाई है। कैसे मुझे मालूम चले लैप वाइंडिंग है? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो डिफरेंस रखूंगा वो वन का रखूंगा। लैप वाइंडिंग में किसी भी कॉइल के स्टार्टिंग और फिनिश के बीच में जो कम्यूटेटर सेगमेंट का डिस्टेंस होता है वो वन होता है। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। ध्यान से देखिए, ये पहली कॉइल का स्टार्टिंग है और ये पहली कॉइल का फिनिश है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? कम्यूटेटर पीछे वन। यहां पर ये पहली कॉइल का स्टार्टिंग और ये पहली कॉइल का फिनिश है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? दिस इज वन। तो दैट इज कम्यूटेटर पीछे वन। दिस इज कॉल्ड वाइज। और बेटा पहली कॉइल का स्टार्टिंग या फिर पहली कॉइल का फिनिश और दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग दोनों सेम पोल के अंडर में होंगे। दिस इज द सेम पोल के अंडर। यहां मैं सेम पोल दिखा रहा हूं मेरे भाई, सेम पोल। पहली कॉइल और दूसरी कॉइल दोनों सेम पोल के अंडर में। फुल पिच कॉइल होती है ना, दोनों की स्टार्टिंग और दोनों की फिनिश एक नॉर्थ पोल में होगा और एक साउथ पोल के अंदर में। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका स्टार्टिंग है 1 3 5, ये आपका 8 10 एंड दिस इज 12। बीच में डबल है यहां पर, ये मैंने डबल वाली नहीं दिखाई है। ठीक है, ये मैंने डबल नहीं दिखाई है, सिंगल लेयर वाइंडिंग दिखा दी है। क्या मेरी बात से एग्री है? ये आपकी कौन सी वाइंडिंग है? ये आपकी लैप वाइंडिंग। क्लियर है ना? दिस इज द लैप वाइंडिंग। अगर किसी को दिक्कत हो तो चलो मैं ये भी दिखा देता हूं भाई। ये आपका बॉटम कॉइल साइड है, ये बॉटम कॉइल साइड है, ये बॉटम है। ये टॉप हो गई। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 को मैंने 8 से कनेक्ट किया है। ठीक है, 3 को मैंने जो है आपका 10 से कनेक्ट किया है और 5 को मैंने आपका 11 से कनेक्ट किया। ठीक है, ये आपकी वेव वाइंडिंग। नाउ बैक पिच क्या कहलाएगी? हेलो, व्हाट इज द बैक पिच? इस केस में बैक पिच क्या कहलाएगी? नाउ दिस इज योर बैक पिच। पहली कॉइल के स्टार्टिंग और फिनिश एंड के बीच का डिफरेंस आपका कहलाएगा बैक पिच। फ्रंट पिच क्या कहलाएगा? पहली कॉइल का फिनिश और दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग के बीच का डिफरेंस कहलाएगा फ्रंट पिच। ये फ्रंट पिच है और ये आपका बैक पिच है। और रिजल्टेंट पिच क्या होगा? पहली कॉइल का स्टार्टिंग और दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग के बीच का डिफरेंस कहलाएगा रिजल्टेंट पिच। दिस इज योर रिजल्टेंट पिच। लैप वाइंडिंग में ऐसा होगा। और दोनों बेटा लैप और वेव में, अच्छा लैप में जो बैक पिच होगी वो आगे की तरफ होगी और फ्रंट पिच पीछे की तरफ होगी, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूं लैप वाइंडिंग में जो रिजल्टेंट पिच होगा वो हमेशा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच होगा। ठीक है, चलो वेव वाइंडिंग का फिगर कैसे बनाएंगे? वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में देखो क्या होगा।
ये आपका जो है वेव वाइंडिंग कुछ होगा। पहला जो है ये आपका नॉर्थ पोल के अंडर में होगा, N1 लिख देता हूं। पुल पिच कॉइल होती है, पहली कॉइल का जो फिनिश होगा साउथ पोल के अंडर में होगा, दूसरी कॉइल का जो स्टार्टिंग होगा वो नॉर्थ पोल के अंडर में होगा, और दूसरी कॉइल का जो फिनिश होगा वो आपका साउथ पोल के अंडर पे होगा। ठीक है ना, ये आपकी वेव वाइंडिंग है, ये आपकी लैप वाइंडिंग है, ये आपकी वेव वाइंडिंग, दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए, अगल बगल इसलिए दिखा रहा हूं। ये कॉमेंटेटर सेगमेंट होंगे, यहां मैं डैश डैश कर रहा हूं कि बीच में और कई सारे कॉमेंटेटर सेगमेंट है, ये नहीं कि एक ही कॉमेंटेटर सेगमेंट है, यहां भी डैश डैश कई सारे कॉमेंटेटर सेगमेंट होंगे यहां पर। ठीक है, यहां डैश डैश का मतलब है कि आगे कॉमेंटेटर सेगमेंट ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलो अगर यहां पर आपसे डिफाइन किया जाए तो बैक पिच जो थी पहली कॉइल के स्टार्टिंग और पहली कॉइल के फिनिश के बीच का डिफरेंस बैक पिच कहलाएगा, पहली कॉइल का फिनिश और दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग फ्रंट पिच कहलाएगा, और रिजल्टेंट पिच क्या होगा, दोनों कॉइल के स्टार्टिंग एंड के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा रिजल्टेंट पिच। ये रिजल्टेंट कॉमेंटेटर पिच क्या कहलाती है बेटा, कॉमेंटेटर पिच कहलाती है पहली कॉइल का या फिर किसी भी कॉइल का स्टार्टिंग एंड, किसी भी कॉइल का स्टार्टिंग एंड और फिनिश एंड के बीच में कितना नंबर ऑफ कॉमेंटेटर सेगमेंट है। जितना भी नंबर ऑफ कॉमेंटेटर सेगमेंट होगा उन्हीं कॉमेंटेटर सेगमेंट की जो डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी कॉमेंटेटर पिच। ये कॉमेंटेटर पिच है लैब में। यहां पर अगर रिजल्टेंट पिच का फॉर्मूला लिखे तो रिजल्टेंट पिच जो होगी वो बैक पिच और फ्रंट पिच इन दोनों के सम के बराबर होगी। रिजल्टेंट पिच हमेशा होगी बैक पिच प्लस फ्रंट पिच के सम के बराबर। पहला डिफरेंस दोनों क्लियर होना चाहिए, दोनों वाइंडिंग में लैप और वेव में। हो गया क्या, हो गया, आगे चल सकते हैं। चलिए चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दोनों में हम लोग कॉमेंटेटर पिच का फार्मूला लिखते हैं। लैप वाइंडिंग में कॉमेंटेटर पिच का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस वन। फार्मूला फॉर कॉमेंटेटर पिच इज दैट इज लैप वाइंडिंग में प्लस माइनस वन। प्लस लेंगे किसके लिए बेटा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, पॉजिटिव साइन फॉर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग एंड दैट इज माइनस लेना है नेगेटिव फॉर
रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव लेफ्ट वाइंडिंग, ठीक है। चलो, दोनों में कॉमेंटेटर पिच का फॉर्मूला अलग अलग होगा। वाईसी किसको रिप्रेजेंट करा? वाईसी रिप्रेजेंट करा कॉमेंटेटर पिच। कॉमेंटेटर पिच। चलो, यहां पर जो फार्मूला होता है वेव वाइंडिंग में, जो कॉमेंटेटर पिच का फार्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉमेंटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटर सेगमेंट प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल पेयर। पोल पेयर, पोल पेयर ने पोल नहीं लेने, पोल के पेयर। जैसे चार पोल हैं, चार पोल हैं तो कितने पोल पेयर होंगे? पेयर का मतलब जोड़ा। अगर चार पोल हैं तो कितने पोल पेयर होंगे? दो पोल पेयर होंगे। छह अगर हमारे पास पोल हैं तो कितने पोल पेयर होंगे? तीन पोल पेयर होंगे, ठीक है। अब ये बताओ, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर? जितने कॉइल होंगे, कॉइल का मतलब होता है टर्न, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ कंडक्टर जेड दिए तो कितने टर्न होंगे? दो कंडक्टर मिला के एक टर्न, तो जेड कंडक्टर मिला के जेड बाई टू टर्न, और जेड बाई टू, अगर जेड बाई टू टर्न होंगे तो जितने टर्न होंगे उतनी कॉइल होंगी, तो दैट इज उतने ही कॉम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वेव वाइंडिंग में, जो कॉम्यूटेटर सेगमेंट का फार्मूला होता है जेड बाई टू, जेड बाई टू क्या है? दैट इज नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उतनी कॉइल होंगी, और जितनी कॉइल होंगी उतने कॉम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। जेड बाई टू प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई पोल पेयर, मानो पी पोल है तो पोल पेयर कितने हो जाएंगे? पी बाई टू। दिस इज द फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाइड करेंगे ना, एलसीएम ले लो बेटा, यहां से एलसीएम, यहां पर जाएगा जेड प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कट जाएगा, तो फार्मूला ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाई पी। दिस इज द फार्मूला। आपको नंबर ऑफ कंडक्टर दिए होंगे, नहीं तो स्लॉट दिए होंगे। डबल लेयर है, सिंगल लेयर, उस हिसाब से नंबर ऑफ कंडक्टर निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ पोल दिए होंगे और यहां पर प्लस माइनस टू रख दीजिएगा, तो कॉमेंटेटर पिच आ जाएगी कि मतलब किसी भी कॉइल के स्टार्टिंग और एंड के बीच में कितने कॉमेंटेटर सेगमेंट का डिफरेंस होगा। चलो, हो गया। नेक्स्ट, तीसरा डिफरेंस लिखिए। दोनों में रिजल्टेंट पिच का फॉर्मूला अलग होगा। लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच का फार्मूला होगा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, और आपका वेव वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच का फार्मूला होता है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। और मैंने बताया था ये जो फार्मूला होता है ना, कॉम्यूटेटर पिच अगर आपको मालूम है, कॉम्यूटेटर पिच मालूम है, तो ये हमेशा आएगा टू वाई सी। दिस इज टू वाई सी एंड दिस इज ऑल्सो टू वाई सी, ठीक है। दिस इज द टू वाई सी, याद रखिएगा। ये आपका रिजल्टेंट पिच का फार्मूला होता है। रिजल्टेंट पिच चाहे लैप हो चाहे वेव, वो टू वाई सी होती है। वाईसी दोनों में अलग अलग होगा, हेलो, वाईसी दोनों में अलग अलग होगा, तो ये वैल्यू अलग आएगी और ये वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर टू वाई सी रिप्रेजेंट कर डिफरेंस को, यहां पर इस सम को रिप्रेजेंट करा है, तो ये वैल्यू आपकी दोनों ही केस में अलग अलग होगी। यहां पर टू तो सेम है, तो वाईसी अलग अलग होना चाहिए। देखिए, वाईसी दोनों का अलग अलग है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में रिजल्टेंट पिच अलग अलग आएगी,
फॉर्मूले में दिखने में एक जैसा दिख रहा है कि 2YC, भाई YC दोनों में अलग अलग होगा। तीसरा फॉर्मूला लिखे, चौथा चलिए नेक्स्ट, दिस इज द रिजल्टेंट पिच, रिजल्टेंट पिच ये क्या हो गया, रिजल्टेंट पिच एंड दिस इज द कॉमेंटेटर पिच। Resultant pitch and this is the commentator pitch. चौथा फार्मूला लिखे, बैक पिच का फार्मूला लिखने जा रहा हूं, बैक पिच का चल। अच्छा एक चीज यहां पर लिख लीजिए, यदि YR पॉजिटिव आएगा, YR पॉजिटिव आने का मतलब बैक पिच अगर फ्रंट पिच से कैसी है, बड़ी है, बैक पिच अगर फ्रंट पिच से बड़ी है तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी, और अगर आपका जो है रिजल्टेंट पिच निकालने पे निगेटिव आ रहा है, मतलब बैक पिच अगर फ्रंट पिच से छोटी है तो ये निगेटिव आएगा, तो दैट इज रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। यहां भी सेम चीज होगा, ठीक है, लिख देता हूं, चलो इस चीज को छोड़ दी, यहां पर आइए चौथे पे आइए, चौथा डिफरेंस यहां पर ध्यान रखिएगा, जो बैक पिच और फ्रंट पिच का जो डिफरेंस है, या फिर फार्मूला लिख देते हैं, लैप वाइंडिंग में बैक पिच का जो फार्मूला होता है जेड बाई पी प्लस वन, और फ्रंट पिच का जो फार्मूला होता है वो जेड बाई पी माइनस वन होता है। किस केस में? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के केस में। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के केस में यही फार्मूला होता है, और यहां भी वेव वाइंडिंग में फार्मूला यही होता है बैक पिच का, और फ्रंट पिच का भी सेम फार्मूला लगाते हैं फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। लेकिन यहां पर दोनों का नेचर अलग अलग होगा, क्योंकि एक राइट, एक आपका आगे की साइड मेजर होगा, एक नेगेटिव, यहां पर एक आगे, जब यूज करेंगे इनको तो यहां पर सेम साइन के साथ यूज करेंगे, यहां पर अपोजिट साइन के साथ यूज करेंगे। This is progressive winding. Progressive winding. यहां लिख देता हूं, that is nothing but the चूंकि lap winding में back pitch and front pitch आज मेजर मेजर्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन, एक आगे की तरफ मेजर किया जाता तो एक पीछे, अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर यूज्ड इन अपोजिट साइन।
यहां पर दोनों सेम साइन में यूज, हेलो दोनों जो है आपके सेम डायरेक्शन में मेजर होते हैं, सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ मेजर होते हैं, रेट्रोग्रेसिव में पीछे की तरफ मेजर होंगे, लिख दे रहा हूं, क्योंकि इन वेव वाइंडिंग बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन। मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन सो दैट बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर यूज्ड इन सेम साइन। यहां पर सेम साइन के साथ यूज करेंगे, सेम साइन के साथ क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। रेट्रोग्रेसिव के लिए फार्मूले चेंज हो जाएंगे, जो बैक पिच का फार्मूला था वो फ्रंट पिच के लिए हो जाएगा, और जो फ्रंट पिच का फार्मूला है वो आपके लिए बैक पिच के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, बैक पिच का फार्मूला जेड बाई पी प्लस वन, जेड बाई पी माइनस वन और जेड बाई पी प्लस वन यूज करना है फॉर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। यहां भी सेम चीज है, अगर रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग बना रहे हैं तो बैक पिच का फार्मूला होगा जेड बाई पी माइनस वन और फ्रंट पिच का फार्मूला होगा जेड बाई पी प्लस वन। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग चलो यहां पर एवरेज पिच का फार्मूला लिख देता हूं, एवरेज पिच के फार्मूले में भी थोड़ा सा अंतर आएगा। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए यहां पर, आपका लैप वाइंडिंग में जब बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये तो या तो प्लस वन होगा, लो बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस निकालेंगे, अगर ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगा तो ये आपका प्लस टू होगा या तो माइनस टू होगा, रेट्रोग्रेसिव के केस में प्लस। और आपका वेव वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो या तो ये प्लस टू आएगा तो माइनस टू आएगा, या फिर जीरो भी आ सकता है। क्या भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। एक केस ऐसा आएगा जिसमें जीरो आ जाएगा, वो केस मैंने बताया नहीं, लेकिन याद रखेगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि वेव वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस टू भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको लिख लीजिए जरा, क्योंकि सारी चीजें तो अब नहीं बता पाऊंगा जो है आपको, क्योंकि उत्तर जो है चीजें तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन में लिखवा देता हूं। यहां पर पांचवा पॉइंट लिखे, दैट इज बैक पिच माइनस फ्रंट पिच या तो प्लस टू होगा या तो माइनस टू होगा हमेशा, लेकिन वेव वाइंडिंग में बैक पिच माइनस फ्रंट पिच या तो प्लस माइनस टू होगा या फिर क्या भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसको मैं लिख देता हूं, और
बैक पिच माइनस फ्रंट पिच क्या भी आ सकता है जीरो। बैक पिच माइनस फ्रंट पिच जीरो आने का मतलब है कि बैक पिच और फ्रंट पिच क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बेटा कभी ये डिफरेंस जीरो नहीं होगा, मतलब आपका लैप वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच कभी भी बराबर नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच बराबर हो सकते हैं, वेव में बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर प्लस माइनस टू आएगा तो बराबर नहीं होंगे, दोनों में अंतर या तो प्लस है माइनस टू, लेकिन जीरो भी अंतर आ सकता है कई केसेस में। ठीक है, चल छठवां डिफरेंस लिखिए दोनों वाइंडिंग में। छठवां डिफरेंस एवरेज पिच का फार्मूला क्या होगा, एवरेज पिच का फार्मूला होता है लैप में वाई ए, वाई ए कहलाता है एवरेज पिच। एवरेज पिच जो कि बैक पिच प्लस फ्रंट पिच डिवाइडेड बाई टू होता है, और ये जब निकाले था तो देखते ये आया था जेड बाई ए। हेलो, ये आपको दिया हुआ है, ये बैक पिच है और फ्रंट पिच, इसका एवरेज निकालिएगा तो ये आपका जेड बाई ए आएगा, जेड बाई पी आएगा, ए नहीं आएगा, जेड बाई पी। जेड बाई पी, लेकिन आपका वेव वाइंडिंग में ये फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, वाई ए जो कि एवरेज पिच कहलाएगा, दैट इज एवरेज पिच का जो फार्मूला होगा। एवरेज पिच क्या होती है, बैक पिच और फ्रंट पिच का एवरेज, वाई बी प्लस वाई एफ बाई टू, और इसका जो वैल्यू आता है यहां पर कई बार ये वैल्यू आपका होता है जेड बाई पी प्लस माइनस टू। जेड प्लस माइनस टू बाई पी इसके बराबर होता है। एवरेज पिच आपका जो है, एवरेज पिच आपके लैप वाइंडिंग में जेड बाई पी के बराबर होता है, वहीं एवरेज पिच मतलब बैक पिच प्लस फ्रंट पिच का एवरेज जो होता है वेव वाइंडिंग में होता है जेड प्लस माइनस टू बाई पी। यहां से नहीं निकाल सकते इसको, लैप में तो हमने इसका एवरेज लेके निकाल लिया था, लेकिन आपका जनरली जो है वेव वाइंडिंग में जो एवरेज पिच होता है, इन फार्मूले से निकालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि तो यहां पर एक इक्वल टू का केस भी आ जाता है। जनरली एवरेज पिच का जो फार्मूला आता है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच का एवरेज जो होता है जेड बाई टू, जेड प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाई पी। ये फार्मूला याद रखिए। नेक्स्ट सातवां, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसको कि हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, जो कि कितने होते बेटा नंबर ऑफ पोल के बराबर। तो लैप वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे। तो मतलब यह हुआ कि लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो किस पे डिपेंड करते हैं, पोल पे डिपेंड करते हैं। अगर पोल को चेंज कर देंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको मैंने प्रूव भी किया था आपको, यहां पर लिखेंगे इन ए लैप वाइंडिंग वाई एंड वाई सी, हाँ इक्वल एवरेज पिच बराबर होता है, वहां पर आप देखेंगे दैट इज नथिंग बट द वाई ए को ही आपका बोल देते हैं कम्यूटेटर पिच,
ठीक है, उसी के फार्मूले के बराबर आता है। ठीक है, वेव वाइंडिंग में एवरेज पिच और कॉमेंटेटर पिच दोनों का फार्मूले क्या आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है, लेकिन आपका लैप वाइंडिंग में एवरेज पिच का फार्मूला होता है जेड बाई पी, और वहीं पर आपका जो कॉमेंटेटर पिच का फार्मूला होता है प्लस माइनस वन। ठीक है, चलो अब तुम बोलो ड्राइव कराना, तो मैं ड्राइव करा दूं, एक पूरी क्लास लग जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप केवल फार्मूला याद रखें। इन लैप वाइंडिंग सौरव मौर्य रूक करना है तो बस जो मैं बता रहा हूं लिख लो, सही फार्मूला लिखा रहा हूं। ठीक है, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने पैरेलल पाथ होंगे इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करते हैं। पैरेलल पाथ पोल पे डिपेंड करेंगे, अगर आप पोल को चेंज कर देंगे मशीन में तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वहीं वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर पोल को आप बदलेंगे भी तो पैरेलल पाथ नहीं बदलेंगे, पैरेलल पाथ हमेशा दो होंगे। वेव वाइंडिंग में हमेशा कितने पैरेलल पाथ होंगे, दो ही पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा कितना होगा, टू। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आएंगे टू, जब आप वेव वाइंडिंग बनाएंगे ना तो हमेशा कितने पैरेलल पाथ ही बनेंगे, दो ही पैरेलल पाथ बनेंगे। ठीक है, और अगर मैं अपने पोल्स को चेंज करूंगा, ठीक है, वेव वाइंडिंग आपने पोल को चेंज करिएगा तो क्या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ चेंज होंगे कि नहीं, पैरेलल पाथ का नंबर चेंज नहीं होते। यहां लिखेंगे इन वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट द नंबर ऑफ पोल्स इंडिपेंडेंट द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इंडिपेंडेंट द नंबर ऑफ पोल। पोल्स के नंबर पे इंडिपेंडेंट, पोल के नंबर को बदलने से वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ नहीं बदलते। चल यहां पर आ जाइए, आठवां डिफरेंस, अब देखेंगे कि जो लैप वाइंडिंग होगी, लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होंगे वो पोल पे डिपेंड करेंगे, पोल का नंबर बढ़ाते जाएंगे। मतलब मान लीजिए पोल के नंबर ज्यादा है तो पैरेलल पाथ हमेशा क्या होंगे, ज्यादा। लेकिन वेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ का नंबर क्या होगा, फिक्स होगा, हमेशा दो होंगे चाहे पोल कितने भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जनरली आप जैसे बात करूं मैं, अगर जो है जैसे ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, लिखिएगा नहीं केवल सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल कितने कंडक्टर हैं, जेड कंडक्टर, ध्यान से सुनिएगा, टोटल मेरे पास कितने कंडक्टर जेड कंडक्टर हैं। अब मैं कौन सी वाइंडिंग डिजाइन करना चाहता हूँ, लैप वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग डिजाइन करना चाहता हूँ, लैप वाइंडिंग डिजाइन करना चाहता हूँ। मान लीजिए चार पोल की मशीन है, कितने पोल की मशीन है, चार पोल की मशीन है, तो आपके पास चार पैरेलल लैप वाइंडिंग में चार पोल है अगर, तो कितने पैरेलल पाथ होंगे, चार पैरेलल पाथ। हर एक पैरेलल पाथ में कितना हमारे पास कंडक्टर लगा होगा, तो आप देखेंगे टोटल चार पाथ में मिला के जेड कंडक्टर, तो हर पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर है, जेड बाई इतना कंडक्टर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वहीं अगर मैं वेव वाइंडिंग डिजाइन करूंगा, ठीक है, कौन सी वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में जेड कंडक्टर है, कितने पैरेलल पाथ होंगे, दो पैरेलल पाथ होंगे, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितना कितना कंडक्टर, जेड बाई टू।
कितना कंडक्टर है, जेड बाई टू विल बी देयर। और अगर पी की वैल्यू मैंने चार ले रखी है तो जेड बाई फोर। तो आप देखेंगे कि आपका जो है लैप वाइंडिंग में आपका जो हर एक पैरेलल पाथ है उसमें आपके नंबर ऑफ कंडक्टर हमेशा क्या होंगे, कम। इसमें जेड बाई फोर आर, इसमें जेड बाई टू। अगर नंबर ऑफ कंडक्टर पैरेलल पाथ में आपके क्या है, कम है, जो सीरीज में कंडक्टर लगे होंगे। पैरेलल पाथ में कंडक्टर किसमें लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे। लैप वाइंडिंग में अगर कंडक्टर सीरीज में कम लगे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वहीं वेव वाइंडिंग में ज्यादा कंडक्टर लगे हैं सीरीज में तो आपका वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप देखिए, मान के चलिए हर एक कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, तो यहां पर हर एक दो ही पैरेलल पाथ है, इस पैरेलल पाथ में जेड बाई टू, इस पैरेलल पाथ में जेड बाई टू। इसमें हमारे पास टोटल जेड कंडक्टर है, चार पोल है तो चार पैरेलल पाथ होंगे, चार पैरेलल पाथ होंगे। हर एक पैरेलल पाथ में जेड बाई फोर, जेड बाई फोर, जेड बाई फोर, जेड बाई फोर। तो अगर मैं वोल्टेज के बारे में बात करूं, एक कंडक्टर में मान लीजिए एक वोल्टेज, तो जेड बाई फोर वोल्टेज में कितना वोल्टेज आएगा, दैट इज नथिंग बट द एक कंडक्टर में एक वोल्टेज, तो जेड बाई फोर कंडक्टर में जेड बाई फोर वोल्टेज, यहां भी जेड बाई फोर वोल्टेज। तो यहां पर टोटल अगर देखेंगे तो लोड के अक्रॉस आएगा जेड बाई फोर वोल्टेज। यहां पर सीरीज में ज्यादा कंडक्टर जेड बाई टू, तो एक कंडक्टर में एक, तो यहां पर कितना वोल्टेज आएगा हर पैरेलल पाथ में, जेड बाई टू वोल्टेज। तो यहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा, यहां पर वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। लेकिन दो पैरेलल पाथ की वजह से करंट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हर एक पैरेलल पाथ में मान लो आईसी करंट है, आईसी करंट है, यहां पर पैरेलल पाथ ज्यादा है तो पैरेलल पाथ में आईसी आईसी आईसी, तो टोटल कितना करंट होगा, फोर आईसी विल बी देयर। तो यहां पर फोर आईसी, यहां पर आईसी, तो यहां पर करंट रेटिंग ज्यादा होती है और यहां पर करंट रेटिंग कम होती है, जबकि आपका लैप वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कम होगी और आपका वेव वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होगी। तो मैं इसका फिगर बना देता हूं जिससे कि आप समझ पाए, ठीक है। यहां पर मैं फिगर बना देता हूं जिससे कि तुम लोग चीजें समझ पाओ, क्योंकि पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए कौन सी वाइंडिंग प्रेफर करेंगे, और आपका दैट इज हाई करंट और लो वोल्टेज रेटिंग के लिए कौन सी वाइंडिंग प्रेफर करेंगे। एक मिनट आया, चलिए यहां पर समझने की कोशिश, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कौन सी ज्यादा रेटिंग के लिए वाइंडिंग यूज की जाती है, कौन सी कम रेटिंग के लिए। मान लीजिए जेड रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है 24 कंडक्टर, यहां भी कितने कंडक्टर हैं, 24 कंडक्टर हैं, दोनों में मैंने 24 कंडक्टर लिए हैं। पोल कितने हैं, चार पोल्स हैं, यहां भी चार पोल की मशीन है,
ठीक है, चलो पैरेलल पाथ निकालते हैं, पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, चार पैरेलल पाथ होंगे, लेकिन वेव वाइंडिंग में तो पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स होते हैं टू, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ वेव वाइंडिंग एज इक्वल टू होगा टू। ठीक है, अब हम देखने वाले भाई चार पैरेलल पाथ बनाने हैं आपको यहां पर। वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे? चार पैरेलल पाथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताई थी वाइंडिंग, यहां पर मुझे चार पैरेलल पाथ बनाने पड़ेंगे। A1, A2 आर्मेचर टर्मिनल, और यहां पर कितने पैरेलल पाथ बनाने पड़ेंगे? दो पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ बनाओगे? दो पैरेलल पाथ। ठीक है, चार पैरेलल पाथ होंगे यहां पर, एक दो तीन एंड दिस इज चार, और यहां पर केवल दो पैरेलल पाथ होंगे। दिस इज A1 A2, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हर एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर, टोटल मेरे पास 24 कंडक्टर है, चार पोल है मतलब चार पैरेलल पाथ है, तो हर एक पाथ में कितना कंडक्टर होगा? नंबर ऑफ पैरेलल, नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ, लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ कंडक्टर, हर एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। टोटल है 24 कंडक्टर, 24 कंडक्टर चार पैरेलल पाथ में लगाने हैं, चार पैरेलल पाथ में 24 कंडक्टर, तो एक पैरेलल पाथ में 24/4, तो कितना कंडक्टर आएगा? 6 कंडक्टर लगेगा, ध्यान से देखिए, 6 कंडक्टर, हर एक लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ में 6 कंडक्टर लगा देंगे, लेकिन क्वाइल दिखाते हैं, हेलो दो कंडक्टर मिला के एक क्वाइल, हेलो दो कंडक्टर मिला के एक क्वाइल, तो 6 कंडक्टर मिला के कितनी क्वाइल? 3 क्वाइल, हर एक पैरेलल पाथ में 3 क्वाइल बनानी पड़ेंगे, तो हर एक पैरेलल पाथ में आपको नंबर ऑफ कंडक्टर मालूम है, तो नंबर ऑफ क्वाइल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ क्वाइल इन ईच पैरेलल पाथ, हर एक पैरेलल पाथ में 6 कंडक्टर और दो कंडक्टर मिला के एक क्वाइल, तो दैट इज 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 क्वाइल, और ये क्वाइल किसमें कनेक्ट होंगे बेटा? ये तीन क्वाइल किसमें कनेक्ट होंगी? सीरीज में, हर पैरेलल पाथ में 3 क्वाइल बनानी, और ये क्वाइल किसमें कनेक्ट होंगी? सीरीज में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल लिया है, तो मैं हर एक पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ में कितनी क्वाइल दिखाऊंगा? 3 क्वाइल, 1 2 एंड दिस इज 3, ये 3 क्वाइल है, 3 क्वाइल इज इक्वल टू कितना कंडक्टर अगर पूछे? 6 कंडक्टर, यहां भी कितना? 3 क्वाइल, 1 2 दिस इज 3, 6 कंडक्टर, यहां भी 3 क्वाइल, 6 कंडक्टर, तो टोटल बेटा हर एक पैरेलल पाथ में 6 कंडक्टर या फिर 3 क्वाइल है, मतलब टोटल 24 हो गए बेटा, लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर ही बताइए वेव वाइंडिंग। अच्छा, यहां बात करते हैं वोल्टेज के बारे में, बात करते हैं भाई। अच्छा, क्वाइल से कितना करंट माना था? आईसी करंट ना, क्वाइल का करंट आईसी माना था ना, क्वाइल का करंट जब हमने बताया आईसी माना था, हर एक क्वाइल से आईसी करंट फ्लो कर रहा था, तो यहां पर सीरीज में लगी है, तो सीरीज में तो करंट सेम होता है,
यहां भी कितना करंट होगा आईसी, हर एक क्वाइल में करंट आईसी, क्वाइल का करंट मतलब ब्रांच में करंट आईसी आईसी एंड दिस इज आईसी, तो टोटल कितना करंट फ्लो करेगा यहां पर 4IC, ठीक है 4IC, क्लियर है मेरी बात। और यहां से कितना आउट भी करेगा 4IC। वोल्टेज कितना आएगा बेटा आर्मेचर के क्रॉस, मान के चलते हैं कि एक कंडक्टर में एक वोल्टेज, कितने कंडक्टर लगे हैं हर एक पैरेलल पाथ में 6 कंडक्टर, एक कंडक्टर में एक वोल्ट तो 6 कंडक्टर में 6 वोल्ट, तो हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा 6 वोल्ट, यहां भी कितना होगा 6 वोल्ट, यहां भी कितना होगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो बेटा आर्मेचर के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा 6 वोल्ट आएगा, आर्मेचर के क्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा 6 वोल्ट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं भाई, वोल्टेज रेटिंग है 6 वोल्ट और करंट रेटिंग है 4I, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लैप वाइंडिंग में, वेव में बात करते हैं, वेव में, हेलो वेव में 2 पैरेलल पाथ है, टोटल 24 कंडक्टर है और कितने पैरेलल पाथ है 2 पैरेलल पाथ, तो हर एक पाथ में कितना कंडक्टर होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग, तो टोटल 24 कंडक्टर है, 2 पैरेलल पाथ है, तो 12 कंडक्टर होगा बेटा, हर एक पैरेलल पाथ में 12 कंडक्टर लगेगा, कितना कंडक्टर 12 कंडक्टर, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितने क्वाइल लगेंगे, टोटल 12 कंडक्टर लगना है, तो आपका क्वाइल कितनी आएंगी 6 क्वाइल लगेंगी, नंबर ऑफ क्वाइल इन ईच पैरेलल पाथ, 12 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर मिला के 1 क्वाइल, तो 12 कंडक्टर मिला के 6 क्वाइल, 6 क्वाइल, और ये क्वाइल किसमें कनेक्ट होंगी सीरीज में, देखिएगा पावर बराबर फ्लो करेगी, लेकिन एक में वोल्टेज रेटिंग, हेलो लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ में कितनी क्वाइल 6 क्वाइल लगने वाली है, दिखा रहा हूं देखो, हेलो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, टोटल 6 क्वाइल है, दिस इज द 6 क्वाइल, 6 क्वाइल मतलब 12 कंडक्टर, टोटल 2 पैरेलल पाथ है, तो 24 कंडक्टर लगा दिए, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, टोटल 6 6 दैट इज 24 कंडक्टर, यहां भी 6 क्वाइल होंगी, दैट इज इक्वल टू 12 कंडक्टर, देखो 24 कंडक्टर ऐसे लगे होंगे, यहां पर ऐसे लगे होंगे, 2 ही पैरेलल पाथ होने वाले, अब हर एक क्वाइल में कितना करंट है आईसी, तो यहां भी कितना करंट होगा आईसी एंड दिस इज आईसी, व्हाट इज द करंट रेटिंग 2IC, लेकिन वोल्टेज रेटिंग बताओ, हर एक कंडक्टर हर एक पैरेलल पाथ में, हर एक पैरेलल पाथ में 12 कंडक्टर, एक कंडक्टर में 1 वोल्ट, तो यहां पर हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा 12 वोल्ट, यहां पर कितना होगा 12 वोल्ट और यहां पर कितना होगा 12 वोल्ट। तो अगर मैं बात करूं बेटा वेव वाइंडिंग में आर्मेचर के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा 12 वोल्ट और आर्मेचर से टोटल कितना करंट फ्लो करेगा 2IC, यहां से 2IC बाहर आएगा। ये बताओ यहां पर देखो, हेलो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ क्वाइल कम कनेक्ट है सीरीज में, लेकिन वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ क्वाइल ज्यादा कनेक्ट है सीरीज में, यहां पर सीरीज में क्वाइल कम कनेक्ट है लेकिन पैरेलल में पाथ ज्यादा है, यहां पर सीरीज में ज्यादा क्वाइल कनेक्ट है पैरेलल, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, हेलो सीरीज में ज्यादा कंडक्टर है तो वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है, यहां पर सीरीज में कम कंडक्टर है इसलिए वोल्टेज रेटिंग क्या है कम है, लेकिन पैरेलल पाथ ज्यादा होने से करंट रेटिंग ज्यादा, हेलो दोनों में ये बताओ कितनी पावर है, हेलो यहां पर टोटल कितनी पावर फ्लो कर रही है आर्मेचर से, हेलो टोटल कितनी पावर फ्लो कर रही है बताओ 24IC, और यहां पर भी कितनी पावर फ्लो कर रही है 24, दोनों में पावर रेटिंग सेम है,
दोनों में पावर रेटिंग यहां पर 24 आईसी और यहां भी 24 आईसी, लेकिन लैप वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कम है लेकिन करंट रेटिंग ज्यादा है, ज्यादा करंट फ्लो करा। वही वेव वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग ज्यादा और करंट रेटिंग कम है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, दैट इज लैप वाइंडिंग यूज करेंगे जब आपको ज्यादा करंट फ्लो कराना है, जब करंट रेटिंग ज्यादा चाहिए वोल्टेज रेटिंग कम चाहिए, यू कैन बी यूज द लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग कब यूज करेंगे? जब वोल्टेज रेटिंग ज्यादा चाहिए और करंट रेटिंग कम चाहिए। दूसरा चीज आप देखेंगे, हेलो, लैप वाइंडिंग में आपके पास जो है नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में क्या है? कम है, लेकिन यहां पर सीरीज में आपके कंडक्टर ज्यादा, सीरीज में वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन पैरेलल पाथ से ज्यादा होने से करंट, जितने ज्यादा पैरेलल पाथ उतना ज्यादा करंट। तो जनरली आपका बोला जाता है कि जो वेव वाइंडिंग होती है वो सीरीज वाइंडिंग होती है। हेलो, वेव वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दैट इज आपके पैरेलल पाथ क्या है? कम है, या फिर सीरीज में ज्यादा क्वाइल आपकी कनेक्ट है। इसमें सीरीज में क्वाइल कम है और पैरेलल में ज्यादा आपके पाथ है, तो दैट इज इसमें पैरेलल पाथ ज्यादा है, तो इसको पैरेलल वाइंडिंग। चलो, करंट रेटिंग ज्यादा, करंट कब ज्यादा होता है? पैरेलल में, क्योंकि इसकी करंट रेटिंग ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे सीरीज, दैट इज पैरेलल वाइंडिंग। इसकी वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज कब ज्यादा होता है? सीरीज में ज्यादा, इसलिए को हम सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। क्योंकि लैप वाइंडिंग में करंट रेटिंग ज्यादा होती है इसलिए उसको बोलते हैं पैरेलल वाइंडिंग, और आपकी लैप वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होती है इसलिए बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिखिए जरा इसके नीचे, पैरेलल में हमेशा करंट ज्यादा होता है, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज समान होता है। तो आप देखेंगे लैप वाइंडिंग में करंट रेटिंग क्या है? ज्यादा, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है। करंट ज्यादा फ्लो होने का मतलब दैट इज द पैरेलल पाथ विल बी मोर, मतलब पैरेलल वाइंडिंग विल बी देयर। लिख रहा हूं, लिखिएगा जरा। नेक्स्ट डिफरेंस लिखिए, एग्जाम्पल लेके समझाया, अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और भी एक एग्जाम्पल जिससे और चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे चल के, लेकिन अभी मुद्दे की बात समझिए। लिखिए जरा, लैप वाइंडिंग इज यूज्ड, लैप वाइंडिंग यूज्ड फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। और यहां पर लिखिए वेव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग। यहां पर लिख रहा हूं, चूंकि लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग ज्यादा है, चूंकि लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग ज्यादा है, करंट रेटिंग ज्यादा होने का मतलब इसमें पैरेलल पाथ ज्यादा है, करंट रेटिंग ज्यादा है, चूंकि इसमें पैरेलल पाथ ज्यादा है इसलिए करंट रेटिंग ज्यादा, करंट रेटिंग ज्यादा चूंकि लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ ज्यादा है, पैरेलल पाथ ज्यादा होने की वजह से इसकी करंट रेटिंग ज्यादा, करंट ज्यादा होने का मतलब दैट इज कॉल्ड पैरेलल वाइंडिंग। इसलिए इसलिए लैप वाइंडिंग को, इसलिए लैप वाइंडिंग को
इसलिए लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। वाइंडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, चूंकि वेव वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है, वोल्टेज रेटिंग ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें सीरीज में ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। हेलो, पैरेलल पाथ तो इसमें फिक्स रहेंगे, पैरेलल पाथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, सीरीज में नंबर ऑफ कॉइल्स हमेशा क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कंडक्टर तो सीरीज में वोल्टेज आपका, सीरीज में आपकी वाइंडिंग अगर बदलती जाएंगी तो वोल्टेज रेटिंग बदलती जाएगी। तो वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब, वोल्टेज कब ज्यादा होगा, दैट इज जब आपकी जो है वाइंडिंग किसमें होगी, सीरीज में होगी। सीरीज में वोल्टेज क्या होते हैं, एड होते हैं, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो इस वाइंडिंग की, वेव वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होती है, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होने का मतलब दैट इज सीरीज में नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग बोला जाए मतलब वेव वाइंडिंग के बारे में बात करें, क्योंकि वेव वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि वेव वाइंडिंग में सीरीज में, सीरीज में ज्यादा कॉइल कनेक्ट होती है, ज्यादा कॉइल कनेक्ट होती है, सीरीज में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है, इसमें सीरीज में नंबर ऑफ कॉइल कम है, पैरेलल में पाथ ज्यादा है, इसमें सीरीज में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है, इसलिए वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, को सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ होंगे, तो टोटल अगर जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर मान लीजिए टोटल, और पी पोल है, पी पोल मतलब कितने पैरेलल पाथ, दैट इज पी ही पैरेलल पाथ होंगे, तो अगर पी पैरेलल पाथ में कंडक्टिंग है तो जेड कंडक्टर लगता है, एक पैरेलल पाथ में जेड बाई पी होगा। लेकिन वहीं पर आपका अगर बात किया जाए वेव वाइंडिंग में, पैरेलल पाथ हमेशा कितने होंगे, दो होंगे, तो दो पाथ में मिला के टोटल जेड कंडक्टर लगाने, तो एक पाथ में कितना, जेड बाई टू होगा। ये हमेशा हमेशा फिक्स होगा कि लैप वाइंडिंग में दैट इज हर एक पैरेलल पाथ में हमेशा जेड बाई टू कंडक्टर ही होने वाला है, क्योंकि वहां पर पैरेलल पाथ का नंबर फिक्स होगा। लेकिन यहां पर पोल बदलेंगे तो पैरेलल पाथ बदल जाएंगे, तो हर एक पैरेलल पाथ में जो नंबर ऑफ कंडक्टर से नंबर ऑफ कॉइल यहां पर आपकी बदल जाएंगी। तो यहां मैं लिख रहा हूं, एक पॉइंट और याद रखिएगा, लैप वाइंडिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ कितना होता है, तो आपका जो है कितना पैरेलल पाथ होगा लैप में, पी पैरेलल पाथ होगा जेड कंडक्टर, तो एक पैरेलल पाथ में टोटल पी पैरेलल पाथ में जेड, तो एक में जेड बाई पी। तो इन लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन ईच पैरेलल पाथ इज इक्वल टू, हमेशा कितना होगा, जेड बाई पी, हमेशा जेड बाई पी होगा हर पैरेलल पाथ में। लेकिन वेव वाइंडिंग में कितना होगा, दो ही पैरेलल पाथ, दो पैरेलल पाथ में जेड कंडक्टर, तो दैट इज एक पैरेलल पाथ में जेड बाई टू इन
वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ, और अगर कंडक्टर मालूम है ना क्वाइल निकालने, तो इसको दो से डिवाइड कर दीजिए तो क्वाइल का नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। कंडक्टर मालूम है हर एक पैरेलल पाथ में, हर एक पैरेलल पाथ में पूछेगा क्वाइल बताओ, तो दो कंडक्टर मिला के एक क्वाइल, तो टू से डिवाइड कर दीजिएगा। नंबर ऑफ इन वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ इज इक्वल टू ऑलवेज जेड बाई टू। यहां पर ऑलवेज जेड बाई पी होगा और यहां पर ऑलवेज जेड बाई पी, जेड बाई टू होगा। क्वाइल पूछे, नंबर ऑफ क्वाइल, इन ए लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ क्वाइल ईच पैरेलल पाथ। कंडक्टर है इतने, दो कंडक्टर में एक, तो जेड बाई पी कंडक्टर में, दैट इज आ जाएगा जेड बाई पी डिवाइडेड बाई टू, जेड बाई टू पी क्वाइल्स, ठीक है। नाउ दिस इज इन अ वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ क्वाइल्स इन ईच पैरेलल पाथ। इतना कंडक्टर है एक पैरेलल पाथ में, और बेटा डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो क्वाइल्स आ जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू जेड बाई फोर क्वाइल्स। चलो, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं कितने पॉइंट हो गए, टोटल आठ हो गए, नौवां पॉइंट। लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ेगी और वेव वाइंडिंग में हमेशा डमी क्वाइल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, कल हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि डमी क्वाइल की जरूरत क्यों पड़ती है और आपका दैट इज नथिंग बट द इक्वलाइजर रिंग क्या होती है। तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, दैट इज इन लैप वाइंडिंग या फिर इन वेव वाइंडिंग डमी क्वाइल्स आर एग्जिस्ट, डमी क्वाइल्स आर एग्जिस्ट इन वेव वाइंडिंग, डमी क्वाइल्स एग्जिस्ट और डमी कॉल एग्जिस्ट, या फिर इसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और डमी क्वाइल्स आर रिक्वायर्ड इन अ वेव वाइंडिंग, और डमी क्वाइल्स आर रिक्वायर्ड वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में किसकी जरूरत पड़ती है, डमी क्वाइल्स की, लेकिन लैप वाइंडिंग में डमी वमी क्वाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। इन लैप वाइंडिंग नो डमी क्वाइल, नो क्वाइल्स इज रिक्वायर्ड डमी क्वाइल की लैप वाइंडिंग में जरूरत नहीं पड़ती। एक और पॉइंट लिखेंगे, दैट इज दसवां पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट को मैं कल समझाऊंगा। पॉइंट नंबर नौ
और 10, क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों इसमें जरूरत नहीं पड़ती। दसवां पॉइंट लिखेंगे, इन लैप वाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड। इक्वलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड। लैप वाइंडिंग में किस रिंग की जरूरत पड़ेगी? इक्वलाइजर रिंग की। क्या काम होता है, कैसे किसकी बनी होती है, वी विल डिस्कस इन लैप वाइंडिंग। अभी लिख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है, इन लैप वाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इन वेव वाइंडिंग नो इक्वलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड। इसमें इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग कल समझते हैं, दैट इज डबी कॉइल की जरूरत इसमें क्यों पड़ती, इसमें क्यों नहीं पड़ती, और इसमें इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ती है और इसमें क्यों नहीं पड़ती, क्या दिक्कत होती है, ठीक है। ठीक है, चलो ये आपके डिफरेंस है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाएंगे लैप और वेव में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो है चीजें कल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो है दैट इज नथिंग बट द इक्वलाइजर रिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इक्वलाइजर रिंग। चलो हेडिंग नहीं डालिए, मैं आपको पहले सर्कुलेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और सर्कुलेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका वेव वाइंडिंग में क्या, लैप वाइंडिंग में क्या होगा कि सर्कुलेटिंग करंट की दिक्कत, सर्कुलेटिंग करंट को बाईपास करने के लिए हम लोग इक्वलाइजर, यहां पर सर्कुलेटिंग करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर इक्वलाइजर की जरूरत नहीं होगी। यहां पर वाइंडिंग हमेशा मैकेनिकली बैलेंस होंगी, लेकिन यहां पर मैकेनिकली इनबैलेंस होंगी, मतलब रोटर में कुछ जगह फ्री स्लॉट हो जाएंगे। तो अगर कहीं पर वाइंडिंग ज्यादा है, कहीं पर वाइंडिंग कम है, तो जब रोटर रोटेट करेगा तो आपका मोशन आपका स्मूथ नहीं होगा। तो मोशन को स्मूथ करने के लिए कुछ डमी कॉइल, मतलब केवल कॉइल रख दी जाती है, इलेक्ट्रिकली किसी से कनेक्ट नहीं करते, उनको डमी कॉइल बोलते हैं, वो रख दी जाती है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल देखते हैं जो है, ठीक है। कल और परसों में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, वेव और लैप वाइंडिंग का। फिर उसके बाद हम लोग अपनी ईएमएफ इक्वेशन की तरफ चलेंगे, या फिर पहले आपको मैं बताऊंगा कि आपका इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसा होता है डीसी मशीन का। डीसी मशीन में अंदर जो हम जो है ई दिखाते हैं, एक्चुअली में वो एसी होता है, ठीक है। और वो कैसे आता है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अभी आजकल हिमांशु सर नहीं है, परसों से आपकी सिंक्रोनस की क्लास चलेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।